फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे फोटो एडिटिंग में पोर्स एंड टेक्सचर को कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इस फोटो को जूम करके दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पोर्स और टेक्सचर होते क्या हैं और उसे एग्जैक्टली कैसे ऐड करना चाहिए। देखिए, इस इमेज को प्रॉपरली हमने जूम कर दिया है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पहले तस्वीर कैसी थी। आप गौर से देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, पहले ये स्किन जो है ये नॉर्मल प्लेन स्किन है, लेकिन जब मैंने इसमें टेक्सचर ऐड किया तो इसके स्किन ओरिजिनल दिखने लग गए। क्योंकि आपको मालूम है, जब भी आप फोटो एडिटिंग करेंगे और उसमें टेक्सचर और पोर्स नहीं होंगे तो आपका स्किन बनावटी लगेगा, लगेगा कि एडिटिंग किया गया है। तो फोटो की एडिटिंग जब भी की जाती है तो उसमें ओरिजिनल टेक्सचर और पोर्स दिखना चाहिए। अब इसे ऐड कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप एक न्यू लेयर ले लें और इस न्यू लेयर में 50% ग्रे फिल कर दें। यहाँ पर 50% ग्रे कलर फिल करने के लिए आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप लैब कलर को यानी एल को 50% रखें और ए को ज़ीरो कर दें और बी को भी ज़ीरो कर दें। ये ऑलमोस्ट 50% आ जाएगा, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। अब इसमें आप फिल कर दें, ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर दिया। अब यहाँ से आ जाएं फिल्टर में और यहाँ से नॉइज़ में आने के बाद एड नॉइज़ पर क्लिक करेंगे और ऑलमोस्ट 6% अमाउंट यूज़ करेंगे। यूनिफॉर्म और मोनोक्रोमेटिक को यस करके रखेंगे। अब उसके बाद आप ओके कर दीजिए। अब हम लोग फिर से फिल्टर में जाएंगे और इस बार हम लोग आएंगे स्टाइल में। स्टाइलाइज के अंदर एक ऑप्शन होगा इम्बोस का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एंगल आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, 135, 130, 145 को ऑलमोस्ट आप दे सकते हैं। हाइट इसकी हमने रखा है इस इमेज के लिए 6 pixels और अमाउंट 135। अब उसके बाद ओके कर दीजिए। अब हम लोग इसको नॉर्मल से लीनियर लाइट पर चेंज कर देंगे। अब उसके बाद इस लेयर को आप थोड़ा सा ब्लर कर दीजिए फिल्टर में जाकर ब्लर ऑप्शन, और ब्लर के अंदर एक ऑप्शन होगा गॉशियन ब्लर का, इस पर क्लिक करेंगे, ऑलमोस्ट 2 pixels ब्लर करेंगे इस इमेज के लिए और ओके कर दीजिए। अब इस लेयर पर आप लेयर मास्क लेंगे ताकि पूरे इमेज पे इसका इफेक्ट ना हो, तो यहाँ से लेयर मास्क पर क्लिक करेंगे और इस थंबनेल को एक्टिव रखने के बाद इसमें ब्लैक कलर फिल कर दें। कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने कलर फिल कर दिया। अब उसके बाद अपने इस इमेज को जूम कर लीजिए। जूम कर लेने के बाद आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसके हार्डनेस को आप 0% रखेंगे, ओपेसिटी 100%, मोड नॉर्मल होना चाहिए, फ्लो ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास रखें और धीरे धीरे पेंट करें। वाइट कलर ऊपर होना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ से पेंट करता हूँ। पूरे फेस पे आपको यूज़ करना है ठीक तरीके से। ये आँखों के हिस्से को भी आप अच्छे से पेंट करेंगे। अब ये पूरा पेंट कर लेने के बाद आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, तभी ये ओरिजिनल दिखेगी तस्वीर। तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम करके लगभग 70% के आसपास रखूँगा और यहाँ से आप अब इस तस्वीर को देखिए जूम करके कैसी लग रही है। ये देखिए, पहले और अब। तो कभी भी जब फोटो को एडिट करें तो टेक्स्चर और पोर्स का ध्यान ज़रूर रखें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह के वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर दिया करें। अगर आप चाहते हैं ग्राफिक या वेब डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स करना तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में आकर एडमिशन ले सकते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस नोएडा में है और दिल्ली में है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली या दिल्ली NCR में नहीं रहते हैं तो आप मेरे प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।